20 News is brought to you by Saika Motors Private Limited and Current Kothari Jewelers. नमस्कार, स्वागत है आपका NBCN News पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डांसर कनक राजू के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घुसाड़ी नृत्य को संरक्षित करने में उनका समृद्ध योगदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करेगा। चक्रवाती तूफान दाना का पिछले 6 घंटों के दौरान उत्तरी ओडिशा पर बना दबाव थोड़ा धीमा होता जा रहा है और ये पश्चिम की ओर बढ़ा है। तमिलनाडु के मदुरै जिले के सेलूर के आसपास के कई निचले इलाके लगातार बारिश के कारण जलमग्न हो गए हैं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने ट्वीट किया कि एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई पुलिस ने पंजाब पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में मुंबई निवासी सुजीत सुशील सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित था। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तत्काल प्रभाव से पार्टी के पूरे ढांचे को भंग कर दिया है। मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले की अगली सुनवाई आज शिमला के TCP कोर्ट में होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निवेश फर्मों और बैंकों को भारत में आने से कोई नहीं रोकता है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां निजी क्षेत्र नहीं आ सकता। इजरायली सूत्रों ने पुष्टि की है कि IDF ने ईरान पर जवाबी हमला शुरू कर दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव और सीट बंटवारे के मुद्दे पर AICC में पार्टी नेतृत्व के साथ बैठक के बाद कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात कहते हैं कि अंतिम सूची आज जारी होने की संभावना है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड BJP विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी के एक युवा नेता ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 26 अक्टूबर को हम माझा मालवा दुआबा क्षेत्र में राजमार्गों को अवरुद्ध करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी, जहां वो IIT भिलाई का तीसरा और चौथा दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। नेता प्रतिपक्ष बाला साहेब थोरात की बेटी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है और उन्होंने प्रदर्शन किया है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर लगातार आंदोलन कर रहे मनोज जरांगी पार्टी ने मराठा क्रांति मोर्चा से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक मराठा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने 85-85-85 सीटों का फॉर्मूला तय किया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कुल 80 सीटों पर टिकट बांट दी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस प्रकार की बातें करने वाली कांग्रेस पार्टी को पहचाने, आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी को हम समाप्त करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने नितिन गडकरी और चंद्रशेखर बावनकुई की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया है। वह नागपुर दक्षिण पश्चिम से BJP प्रत्याशी है। NCP में शामिल होने के बाद संजय काका पाटिल ने कहा कि तासगांव कोठी महाकाल सहित 2 विधानसभा सीट NCP को मिली थी, इसलिए मैं BJP छोड़कर NCP में शामिल हुआ। पुणे टेस्ट में टीम इंडिया रन चेंज के लिए मैदान पर आ चुकी है। मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को 359 रन बनाने हैं। ये धनतेरस का मौका तारक मेहता शो को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए काफी मजेदार होने वाला है। इस मौके पर शो के मेकर्स ने जेठालाल के कैरेक्टर पर बेस्ट गेम लॉन्च करने की घोषणा की है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBCN News। नमस्कार।